भाइयों बहनों, अपना किचन में आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे फिंगर फ्राइज, वो भी बैंगन में। आइए अपना किचन में, ऐसा वाला बैंगन मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप इसमें जो मोटा साइज आता है वो भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यही बैंगन अंदर से सॉफ्ट रहेगा। दो अंडा तोड़ के रखी हूँ। अंडा नहीं चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर 3 टीस्पून लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्ली फ्लेक्स 2 टीस्पून लेके रखी हूँ। 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब, ये नहीं चाहिए तो आप छोड़ दीजिएगा। 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर, चावल की आटा। 1 टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, ब्रेड क्रम्स 100 ग्राम लेके रखी हूँ। डियर फ्रेंड्स, अपना किचन आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाइए, बाजू में बेल बटन भी वो भी दबा के रखिए। थैंक्स अ लॉट। अभी बैंगन जैसे पोटैटो हम फ्रेंच फ्राइज के लिए काट के लेते लंबा शेप में, ऐसे ही काट के रखी हूँ। काट के पानी में डाल के रखिए, नहीं तो कलर चेंज हो जाएगा। एक कॉटन टवल लेंगे, कटी हुई बैंगन उसमें डालकर पूरा गीलापन उसे पोंछ के लेंगे। अच्छी तरह से पोंछ के ले लेंगे। एक प्लेट में राइस फ्लावर लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, मिक्स्ड हर्ब थोड़ा सा, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हल्दी पाउडर भी जो है वो लास्ट में मिला के वो भी मिक्स करके लेंगे अच्छी तरह से। अभी जो एग वॉश के लिए हम अंडा तैयार करके लेंगे, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब थोड़ा सा, बचा हुआ जो भी कश्मीरी चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल के अच्छी तरह से अंडे को मिक्स करके लेंगे। कॉर्नफ्लावर, अंडा नहीं चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही मिक्स करके लीजिएगा कॉर्नफ्लावर को भी। अब ये हो गया एग वॉश के लिए। अभी कटी हुई बैंगन लेकर एग वॉश करके लेंगे, पूरा अच्छी तरह से डुबा कर लेंगे। फिर राइस फ्लावर में उसे स्प्रेड करेंगे। ये हो गया एक बार राइस फ्लावर की कोटिंग। अभी दूसरा बार एग वॉश करके लेंगे बैंगन को। हो गया, अभी राइस फ्लावर में दूसरा कोटिंग करके लेंगे। काम बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। राइस फ्लावर का दूसरा कोटिंग हो गया। अभी मैं ऐसे सब करके ले रही हूँ। देखिए, ये सब दो दो बार कोटिंग हो चुका है, एग वॉश 2 बार और राइस फ्लावर का कोटिंग 2 बार। अभी एकदम लास्ट में एक बार, तीसरा बार एग वॉश करके लेंगे, एग में डुबा कर लेंगे। अभी ये जो है ब्रेड क्रम्स, इसमें पूरा इसे स्प्रेड करके लेंगे अच्छी तरह से। पूरा जगह पे ब्रेड क्रम्स लगना चाहिए, पूरा साइड से भी कोटिंग करके लेंगे। इससे ही क्रिस्पीनेस आएगा। आप पोटैटो से भी ऐसे ही करके आप फ्राई करके ले सकते हैं। हो गया इसका कोटिंग, ये लास्ट कोटिंग ब्रेड क्रम्स का है। ऐसे ही कटी हुई बैंगन सर्व करके हम
ले लेंगे। ब्रेड क्रम्स का कोटिंग पूरा करके मैं रखी हूँ। अब इसे फ्रिज में 30 मिनट रखे आप फ्राई कर सकते हैं, या फ्रीज़र में 10 मिनट वो भी नहीं तो तुरंत भी आप फ्राई करके ले सकते हैं। अभी तेल गरम हो चुका है। तेल गरम करने के बाद आप स्लो फायर या मीडियम के बीच में रखे फ्राई करके लेंगे, क्योंकि बाहर का जो ब्रेड क्रम्स से वो जल्दी फ्राई हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, अंदर का बैंगन हमें अच्छी तरह से फ्राई होके मिलना चाहिए। इसलिए ध्यान से फायर स्लो या मीडियम के बीच में रखे करके लीजिएगा। अभी फ्राई हो रहा है। ये बैंगन फ्रेंच फ्राई ज़रूर ट्राई करिए, गर्मा गर्म खा के लीजिए। खूब बनाइए, खूब खाइए, खुशी से रहिए। भाइयों बहनों, हमारी रेसिपी आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए ज़रूर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। इतना देर हमारी वीडियो देखे थे, धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। केचप के साथ खाइएगा।